प्रणाम। एक जैन पिता अपने बेटे को लेकर स्कूल में पहुंचे हैं। बेटे का स्कूल में पहला ही दिन है, लेकिन बात ऐसी बनी है कि स्कूल के बराबर बाजू में एक जैन मंदिर है। तो पिता सोचते हैं कि बेटे को छोड़ूंगा, स्कूल की फीस भरूंगा और फिर मंदिर चला जाऊंगा। इसलिए धोती पहनकर वो स्कूल पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आपको ये धोती पहनकर अंदर एंट्री नहीं है। पिता विनंती करते कि जी दो मिनट का काम है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आपको एंट्री नहीं है, मतलब नहीं ही है। दो मिनट के बाद एक मुस्लिम बहन बुरखा पहनकर अंदर जाती है। उनको कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। तो वो भाई सोचते हैं कि जहाँ पर 80-85% बच्चे हिंदू है और जैन है, वो स्कूल में ये हालत, हमारे धर्म की कोई वैल्यू नहीं, हमारे वस्त्र की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ पर मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ, बेटे को घर पर ले लिया, मित्रों से मीटिंग की, साहेब जी से मीटिंग की और 3 महीने के अंदर एक जैन स्कूल खड़ी कर दी। आज मलाड़ के अंदर आदि एकेडमी के नाम पर जैन स्कूल है, उसमें आज 150 जैन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद गोरेगांव, उसके बाद बोरीवली, उसके बाद घाटकोपर, उसके बाद बेंगलोर, 5 जगह पर यह स्कूल खुल चुकी है और करीबन 500 बच्चे ये आदि एकेडमी में पढ़ रहे हैं। इसका फायदा क्या? हमारे बच्चे हमारे रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, जो सिखाना है वो सिखा पाएंगे, जो दिखाना है दिखा पाएंगे, जो समझाना है समझा पाएंगे, जो पिरसना है वो हम पिरस पाएंगे। हिंदुत्व क्या, जैनत्व क्या, संस्कार क्या, संस्कृति क्या, हम वह सब उनको दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। इसलिए हर एक स्टेट के हर एक जगह जगह पर ये जैन स्कूल का खुलना अनिवार्य बन चुका है। इतना ही बोलूंगा, हजारों जैन पेरेंट्स ये स्कूल की राह देख रहे हैं। बस एक स्टेप, आपका एक कदम, एक स्कूल ही खड़ी करो, पीछे सैकड़ों माता पिता तैयार बैठे ये स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन लेने के लिए। एक कदम जैन स्कूल की ओर। वंदे वीरम, वंदे शासनम, जय भारत।